हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमारी कक्षा 7 की इकाई नंबर 2, जिसका नाम है हम भी बने महान। इस इकाई में छोटे छोटे उदाहरण के द्वारा हमें महान व्यक्तियों के जीवन का चरित्र और उनका कर्तव्य, उनके काम के बारे में बताया है। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें उनकी महानता और उनकी बुनियादी गुण दृष्टिवत होते हैं। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा रूप है और ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। इतने महान विचारों के साथ हमारी इस इकाई हम भी बने महान, जिसका हम पहले पठन करेंगे, लेकिन उसका पठन और उसे समझे इससे पहले एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप अच्छी तरह से इन महान व्यक्तियों के जीवन चरित्र को आप समझ पाएंगे। तो चलो देखते हैं वीडियो। ले रहे थे तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपए का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। उसने एक लड़के को रोता देखकर उसने पूछा, क्यों रो रहा है? मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पिटेगी। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी। नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा कर्तव्य है। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है, मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बात सन 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभास्थल पर यथास्थान बिठा दे। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानड़े। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनता पूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है। क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा? कोई भी अतिथि हो, उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। सफलता का रहस्य। अंडर-14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। उसकी टीम 5-स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी।
एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और ज्यों ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। आगे चलकर इस लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार हैं।